सामने पर्चा दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है पब्लिक हेल्थ केयर, अलंकार प्लाजा विजय चौराहा के आगे, सावित्री हॉस्पिटल से 10 कदम पहले, और ये गोरखपुर में, और डॉक्टर पी के अग्रवाल ऑन कॉल, एमडी हैं ये जनाब, एमबीबीएस एमडी हैं, डॉक्टर एन के मल ये हैं फिजिशियन, और डॉक्टर एस सिंह हैं ये भाई साहब हैं। क्या नाम है आपका? रामप्रीत। राम जी, और आपका? अनिल कुमार। कहाँ से आए आप लोग? बिहार से। पूरा वाकया बताता हूँ, पहले सुनिए। बिहार से आप लोग आए हैं, किस डॉक्टर के पास जाना था आप लोगों को? अजय अग्रवाल के पास। फिर क्या कुछ वाकया हुआ जब यहाँ पर उतरे थे? वो बोले हैं कि वो मर गए हैं, वो नहीं है। जैसे यहाँ पर उतरे तो टेम्पो लिए? हाँ, टेम्पो वाला लेकर चला गया उधर। टेम्पो वाला आपको लेके इस हॉस्पिटल पे चला गया आपको लेकर? हाँ। और वो क्या बोला टेम्पो वाला? क्लिनिक पर बोले क्या मर गए हैं, नहीं है। अच्छा, ये डॉक्टर बोले कि वो डॉक्टर जो पर्ची लगा रहा है वो। अच्छा सुनिए, अब इसमें ये है कि अजय अग्रवाल के पास जाना था ना, पीके अग्रवाल यानी ये पब्लिक हेल्थ केयर के पास जब इन ये लोग पहुंचे तो वहां पर इन जनाब जो पर्ची काट रहे थे उन्होंने कहा कि भैया अजय अग्रवाल मर गए हैं, है ना। अब ये 5 दिन की दवा मांग रहे थे। हाँ, तो दिया है जबरदस्ती, दिए हैं 15 दिन का। जबरदस्ती 15 दिन, 10 दिन का, 10 दिन का दिया। तो मतलब अगर आप गोरखपुर में हॉस्पिटल्स में जाएंगे और बोलेंगे कि भैया मेरे पास पैसे कम है, 5 दिन की दवा दीजिए, तो नहीं, आप 10 दिन के लीजिए मेरे हिसाब से, चलिए, यही है ना भैया। तो अब बताइए, जो वो टेम्पो वाला अपने आप लेके चला गया? हाँ, अपने आप लेके चला गया। चलो वही है, यहाँ बोला कि वही है अजय अग्रवाल, वहाँ जाकर लिख रहा है बीके अग्रवाल। तो जब मैं ये बस की कवरेज कर रहा था, दिखा रहा था, तब भाई साहब मिले तो इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये बड़ा रैकेट चल रहा है, टेम्पो वाले, रिक्शा वाले, और जो 3-4 और मोटरसाइकिल वाले भी ना भैया बता रहे थे, बाइक वाले, ये सारे लोग हाँ दलालों का काम कर रहे हैं। और आपको अगर जाना है, सपोज कीजिए एक नाम ऐसे ले लेता हूँ, बबलू डॉक्टर के पास, तो वो आपको डब्लू डॉक्टर के पास ले जाके कहेंगे कि यही बबलू हैं, और जब डब्लू से पूछेंगे कि बबलू डॉक्टर कहाँ है, तो डब्लू वाले बोलेंगे बबलू मर गए। तो डब्लू का ये गेम यहाँ पर गोरखपुर में चल रहा है। और ये भाई आप लोग कहाँ से आए हैं? गोपालगंज जिला से, बिहार से। बिहार से ये लोग आए हैं, और बिहार से आने के बाद इनके साथ इस तरीके का फ्रॉड चल रहा है। अब इनके पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि भैया तुम 5 दिन के जगह 10 दिन की दवाई क्यों दे दिए, और पड़ताल एक बार ज़रूर करके दिखाएंगे। चलिए ये पकड़ लीजिए। हाँ, 15 दिन का बोल रहे थे। अच्छा, 10 दिन का आप लोग करवाए? हम बोले 15 से कम नहीं लगे, हम बोले 5 दिन का दो, तो कहता है कि 10 दिन कम से कम ले लो। अच्छा, उनकी बाप की बकौती है कि वो 15 दिन की दवाई आपको देंगे, ठीक, लेकिन भाई साहब ने रिक्वेस्ट किया तो 10 दिन की दवाई दिए हैं। अब चलिए इस हॉस्पिटल में चला जाए और देखा जाए भैया किनका क्या हाल है। तो देखा, हम कहे थे आपसे ले चलेंगे आपको पब्लिक हेल्थ केयर पे, पहुँच गए हैं। बड़ा बड़ा कहीं इधर अभिषेक, बड़ा बड़ा कहीं पोस्टर नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है कहीं? दिखाना भाई, इधर दिखाओ, कहीं दिख रहा है नहीं ना, अब यहाँ दिखाओ, छोटा सा पोस्टर लगा हुआ है, और ये छोटा सा एक है पब्लिक हेल्थ केयर। आइए, पब्लिक हेल्थ केयर सर आप चलाते हैं? आप चलाते हैं, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह जी, अभी से कुछ देर पहले यहाँ मरीज आए थे, दो कहीं बिहार वहार से आए थे, तो उनका कहना है कि पहले तो ऑटो वाले ने धांधली की कि अजय अग्रवाल के पास जाना था, यहाँ लेके आए, बोले अजय अग्रवाल मर गए हैं, ठीक, मर गए। हाँ, अजय अग्रवाल मर गए हैं, यहाँ तो हमसे कोई मरने की कोई, चलिए ठीक है, आपसे नहीं हुआ होगा, जो भी पर्चा कौन काटता है? हम ही काटते हैं। तो आप ही बोले हैं, वो रिकॉर्ड है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो है कि 1500 की दवाई, वो बोले कि 5 दिन की दवाई दीजिए, आप जबरन 15 दिन की दवाई दे रहे थे, फिर वो कटौती करके 10 दिन की दवाई लिए। हाँ, तो ऐसा क्यों भैया? अरे मैं कहा 10 दिन का लीजिए, 10 दिन खाएंगे तभी तो कुछ काम करेगा। नहीं, जब उनके पास पैसा नहीं था, बैठ जाएं, जैसे वो ये बोले कि हमको 5 दिन की दवाई दे दीजिए, हम फिर से आ जाएंगे लेने, तो आप बोले कि नहीं 15 दिन की दवाई ले लीजिए, ठीक, तो बोले पैसा नहीं है, तो आप जबरदस्ती किए, फिर आप जबरदस्ती कहाँ हुई उनका, वो कैमरे में बोला उस बंदे ने, अब सुनिए, फिर आपने 10 दिन की दवाई दी, तो क्या यहाँ पर कुछ सेट है दलालों से, जैसे टेम्पो वाले लेके आ गए? कोई सेट नहीं है। तो ये जबरन 10 दिन की दवाई, क्या मतलब, क्या चक्कर है? दूर से आदमी आएगा तो हम बोले कि 10 दिन का दवा ले जाइए, तो उसकी दिक्कत है, जब उसने बोला वो तो उसकी दिक्कत है। तो जो यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं वो लोग कहाँ हैं? अंदर है, उनके पास रजिस्टर्ड है पूरा। हाँ, जरा दिखवा लेंगे, वो भी अंदर है, ले जाएंगे, दिखवा लेंगे। आइए अभिषेक, तो ये है, जाइए जाइए, इनके मन सर बैठे।
नमस्ते सर, बैठो अभिषेक, हम इनसे पूछ लेते हैं। सर अभी कुछ देर पहले मतलब सुबह के टाइम में यहाँ पर दो मरीज आए होंगे बिहार साइड के, वो हमें बस स्टैंड पे मिले। उनका ये कहना था कि 15 दिन की दवाई यहाँ पर जबरदस्ती दी जा रही थी। नहीं, अब कैमरे में वो जो बोले हम बता रहे हैं, वो झूठ तो बोलेगा नहीं बंदा। फिर 10 दिन की दवाई उनको दी गई, ठीक। वो मांग रहे थे सिर्फ और सिर्फ 5 दिन की दवाई। हाँ, नहीं दिया गया उनको। और उसके बाद क्या सिस्टम है मैं बता देता हूँ आप लोग के सामने। वो सुबह टेम्पो में उतरते हैं, टेम्पो वाले से बोलते हैं कि हमें अजय अग्रवाल डॉक्टर के पास जाना है। टेम्पो वाले यहाँ पर लेके आते हैं, भाई साहब बोलते हैं कि अजय अग्रवाल मर गए हैं। कौन बोला, हम तो बोले ही नहीं। अरे वो कैमरे पे बोला उस बंदे ने। अब हम चोरी करेंगे तो हम नहीं बोलेंगे कि हम चोर हैं, है ना। हाँ, अब रुक जाइए। दूसरी बात ये कि तो इस तरीके से क्यों चलाया जा रहा है? देखिए, मैं ये मेरी क्लिनिक नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं केवल यहाँ पेशेंट देखता हूँ, चला जाता हूँ। क्लिनिक ही है, क्लिनिक आप धर्मेंद्र जी की, आपकी क्लिनिक है ये। तो यहाँ पर ऐसा क्यों चल रहा है सर? आपके पास यहाँ वो करने का वो है, परमिशन है यहाँ पे? हाँ डॉक्टर साहब बैठते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे हॉस्पिटल आपने खोला है ये, तो इसका परमिशन तो होगा आपके पास? रजिस्ट्रेशन होने गया है, रजिस्ट्रेशन आ रहा है। अच्छा, हुआ नहीं है, लेकिन क्लिनिक खुल गया है, लॉकडाउन से हो गया है, आ रहा है। देखिए तो कुछ तो अभी रजिस्ट्रेशन होने गया है, हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। दिखा देंगे जरा, वो भी आ रहा है, आ रहा है, 5 मिनट बैठ लीजिए। ठीक ठीक रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन हाथ में है, यानी रजिस्ट्रेशन है। अब आखिर में इसका सब्जेक्टिव आप तय कीजिए, क्योंकि आम तौर पर आज के जर्नलिज्म में ये होता है कि हम ऑब्जेक्टिव छोड़ जाते हैं। अब इस पर आप तय कीजिए कि इसका सब्जेक्टिव क्या होगा, क्या कुछ निर्णय है और क्या कुछ इसका सॉल्यूशन निकलता है। अब जो सच्चाई थी मैंने दिखा दी, जिस तरीके से उनकी क्या बात थी और इनकी क्या बात थी, अब इनसे ही जान लेते हैं। तो अब इनसे, हाँ, क्या कुछ था पूरा मामला और क्या है, क्या लग रहा है कि जो हम उनकी बात थी उनकी भी दिखा दी, आपकी भी बात, अब आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरा मामला आपको बता दें कि अगर पेशेंट सामने रहता तो आप लोगों के सामने रहता तो दूध का दूध पानी पानी हो जाता। पेशेंट कई तरह के कहते हैं, पेशेंट आया अगर कहा कि हमको 10 दिन की या 5 दिन की दवा चाहिए, तो उसको दवा 5 या 10 दिन की दवा शायद वो ले गया था, 10 दिन की दवा। उससे कोई जोर जबरदस्ती या इस तरह कोई बात नहीं, बात कोई नहीं किया। रह गया सवाल कि हमको 1 हफ्ते या 2 दिन 4 ये क्लिनिक चलाना नहीं है। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी वास्तव में मरीज के साथ कुछ हुआ है, तो मरीज आता तो उसका तो उसके बाद हम दोषी होते। चलिए ठीक है। तो देखिए, जिस तरीके से मरीज ने आ गया, अभिषेक, जो मरीज ने बताया हम वो भी बता दिए, जो इन्होंने बताया हम वो भी बता दिए। अब सब्जेक्टिव आप तय कर लीजिए कि कौन सच है और कौन झूठ है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ आशीष, गोरखपुर।